हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगा, आज जाऊंगा पहाड़ यहाँ से रूम से। तो बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि हम लोग का रूम कैसा है, तो आप लोगों को रूम दिखा दूँ। ये हम लोगों का रूम है और यहाँ से हम लोग जो है ये खाना बनाने का जगह है हम लोगों का। और यहाँ पर जितने भी हम लोग इंडियन वर्कर रहते हैं यहाँ पर सबको ही खाना बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खाना बनाते हैं, देख सकते हैं सब। और एक बंदा सोया हुआ है और यहाँ पूरा देखिए इंडियन वर्कर जितने भी यहाँ पर आए हैं हम लोग इस कंपनी में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे ही पूरा लाइन बाय लाइन है, एक एक चूल्हे पे मतलब दो दो बंदा खाना बनाते हैं। और आप लोगों को मतलब वीडियो में एंड तक बने रहें और पूरा आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा कि मलेशिया में पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्कर कैसे मतलब रहते हैं और कैसे मतलब ये लोगों का रहन सहन है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में बने रहे। तो चलिए अभी हम लोग पहाड़ जाने के लिए रेडी हो गए हैं और ये देख सकते हैं हम लोग गाड़ी जो मेरा यहाँ पर गाड़ी रखते हैं। और यहाँ पर काम करने के बाद जितने भी हम लोग फल कटिंग करते हैं यहाँ पर साबित को रख देते हैं। और अभी यहाँ पर मेरा जो रखा हुआ था मोटरसाइकिल और इस मोटरसाइकिल से हम लोग अभी जाएंगे बुकेट। तो वीडियो एंड तक देखिए और दिखाएंगे आप लोगों को रास्ते में कि पाम ऑयल प्लांटेशन का जो वर्कर का रूम कैसा रहता है और सब कुछ फैसिलिटी कैसा रहता है। क्योंकि अगर आप पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आते हैं तो इसी तरह आपको रूम मिलेगा और इसी तरह सब वर्कर रहते हैं। अच्छा कहीं कहीं अच्छा रूम मिलता है लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही रूम आपको मिलेगा। तो चलिए देख सकते हैं अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया है और मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग भी आइएगा तो इस तरह आप लोग को भी मज़ा लेने मिलेगा, रहिएगा तो यहाँ पर पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में। और देख सकते हैं सबका बूट वूट रखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा आप लोगों को दिखा दूँ जो अभी सबको ही अभी जा रहे हैं पहाड़ बात करने के लिए, क्योंकि रूम में नेटवर्क का बहुत ही दिक्कत है हम लोगों का और यहाँ पर नेटवर्क रहता ही नहीं है रूम में। तो आप लोगों को क्या बताऊँ कि पहाड़ में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर वाईफाई भी लगाते हैं तो भी सही से नहीं चलता है। और यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया लोग जो है यहाँ पर बहुत, अभी कल ही आया है कम से कम 20 लोग आए हैं, ठीक है। इंडियन वर्कर जो है 20 वर्कर आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। और ये ऑफिस है इधर और इधर जो है इंडोनेशिया वर्कर लोग रहते हैं। और हम लोग का इंडिया का जो वीज़ा अभी पता नहीं क्यों बंद करके रखा है, आदमी आ रहा है। और हम लोग का जिस साइड में रहते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया वर्कर अभी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले इंडियन था ज़्यादा हो गया। इसी तरह हम लोगों को डेली जाना पड़ता है बाहर बंद करने के लिए। अगर जिस साइड में आप अगर रहते हैं उस साइड में अगर आपका जो ये नहीं रहता है टावर का प्रॉब्लम रहता है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। बहुत ऐसा साइड है कि रूम में टावर नहीं रहता है और बाहर जाना पड़ता है। सिर्फ हम लोगों का नहीं, मलेशिया में बहुत ऐसा साइड है कि जो आपका रूम में टावर नहीं रहता है और बाहर जाना पड़ता है। तो वीडियो में थोड़ा आवाज़ कम आएगा तो आप लोगों को बता दूँ कि इसी तरह जो है आपको रहना पड़ेगा। अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो लेकिन हम लोगों का कंपनी में ये है खासियत कि ज़्यादा जंगल नहीं है, ठीक है। हम लोगों का कंपनी में ज़्यादा जंगल नहीं है और जंगल नहीं रहने के कारण हम लोगों को काम करने के लिए अच्छा लगता है। और अगर जंगल ज़्यादा रहता है तो फिर ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जंगल रहने से ज़्यादा आपका बहुत चीज़ का खतरा हो जाता है, सांप का या कुछ जानवर का भी खतरा रहता है। लेकिन हम लोगों का अगर मकान आपको पूरा वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि पूरा चकाचक पकड़ है, हालांकि हम लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं वो भी मतलब अच्छा मतलब ये है जगह है। लेकिन टावर का ही एक दिक्कत है कि टावर हम लोग का नहीं है। हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं अभी और बाइक लेके हम लोगों को डेली इसी तरह जो है बात करने के लिए आना पड़ता है काम। देखिए इसमें क्या होता कि परेशानी यही होता है कि हम लोगों को काम करने के साथ साथ परेशान भी हो जाते हैं और परेशान होने के साथ फिर यहाँ पर आपको पहाड़ फिर आना पड़ता है। हालांकि मोटरसाइकिल है तो उतना टेंशन नहीं है, मोटरसाइकिल जिसके पास रहता है उसको टेंशन नहीं रहता है इतना, ना कोई दिक्कत रहता है। और वीडियो में आप लोग को ज़रूर मतलब दिक्कत हुआ होगा क्योंकि बाइक में हूँ और बाइक का आवाज़ मतलब ज़्यादा ही है।
तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग पहाड़ में, तो यहाँ पर भी हम लोग रूम बना के रखे हैं। तो चलिए पहुंच गए हैं हम लोग।